हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति सानिया। आई रियली होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और सभी लोग अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूं सानिया और आप मुझे देख रहे हैं प्रीति सानिया पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, होम रेमेडीज, स्किन केयर और हेयर केयर की एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ उस रेड बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। जी हाँ, आपको ये वीडियो ही नहीं, फिर आप और भी आगे वीडियो इसमें देखिएगा, आपको सभी वीडियोस आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। लिस्ट क्रिएट की हुई है, आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आई होप कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। पहले वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए और अपना रीज़न ढूंढिए, अपना कारण ढूंढिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। मैं आपको कोई ना कोई ऐसा वीडियो मिल जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे साथ बने रहिए। हर महिला की चाहत होती है कि उसके बाल लंबे, काले और घने हो जाएं। ये आप लोग पता नहीं क्या क्या जतन भी करते हैं, बहुत से तरीके अपनाते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि वो तरीके और वो जतन काम नहीं आते हैं। इसी बीच में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नेचुरल रेमेडी, जिसके थ्रू हम अपने बालों को ग्रोथ भी दे सकते हैं, बालों को वो शाइन भी दे सकते हैं, वो बाउंस भी ऐड कर सकते हैं और हेयर फॉल भी नहीं होगा, आप मेरी बात मानेंगे? जी नहीं, बिल्कुल मत मानिएगा। पहले उस रेमेडी को ट्राई करिएगा, तब मानिएगा। तो क्या आप मेरी उस बात से सहमत होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो भी आपको यहाँ बताऊँगी, पहले आप उसको ट्राई करेंगे, फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तब आप मानेंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही मैंने। तो इस वीडियो में आज कुछ ऐसा ही करते हैं कि बालों को लेंथ भी मिले, हेयर फॉल भी ना हो, बाल सिल्की भी बने, शाइनी भी बने और बाउंस भी ऐड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बात कर रही हूँ नेचुरली शाइन की, नेचुरली हेयर फॉल रोकने की और नेचुरली बालों में बाउंस लाने की। ओके, बशर्ते आपको दो काम करने होंगे इसके लिए। पहला, पर्टिकुलर रेमेडी को आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे। जी हाँ, विश्वास के साथ किया गया कोई भी काम अपना दो गुना रिजल्ट देता है। जी हाँ, अगर यकीन नहीं है तो आजमा के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और दूसरा है कि रेमेडी को आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है, रेगुलरली फॉलो करना है, जिस भी वे में मैं आपको बताऊँ उस तरीके से। आज मैं आप लोगों के साथ राइस वाटर के बारे में बात करूंगी। जी हाँ, एक गिलास चावल का पानी आपके बालों को खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी है। बात यह है कि इसे घर पर ही बहुत ही आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। देखिए, पैसों की बचत हो जाए और समय की बचत हो जाए, और हमें क्या चाहिए। और आज की ये रेमेडी हमारी दोनों ही ज़रूरतों पर खरी उतरने वाली है। देखिए, चावल हमारी किचन में अवेलेबल होता है और इसको लगाने में हमें ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं, तो हुई ना दोनों की बचत, समय की और खर्चे की। तो चलिए, हम इस रेमेडी को प्रिपेयर करने से पहले इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि राइस वाटर आखिरकार हमारे बालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये हमारे बालों को लेंथ और हेल्थ कैसे प्रोवाइड कर सकता है। ये जो रेमेडी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, यूं ही नहीं लाई हूँ, इसका पूरा का पूरा इतिहास है। चीन में हुआंगलो नाम का एक गाँव है जिसे रपुंजल की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक रेड याओ नाम का कबीला रहता है। रेड याओ नाम के कबीले की वुमन के बाल आप देखेंगे तो बहुत लंबे और बहुत हेल्दी हैं। गाँव की महिलाएं वर्षों से अपने बालों को चावल के पानी से धोती आ रही हैं और यही नहीं, इन महिलाओं ने विश्व रिकॉर्ड तक दर्ज किया है बालों की वजह से। इस गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे बालों वाला गांव के रूप में दर्ज हुआ है, क्योंकि ये लोग चावल के पानी से अपने बालों को धोते हैं, इस वजह से इनके बाल बेहद लंबे हैं। ये कहानी कुछ 800 ईस्वी पूर्व जापानी राजघराने की महिलाओं की भी रही है, लेकिन मैं यहाँ आपको इतिहास पढ़ाने नहीं आई हूँ, इसलिए आप लोगों का इतना ही जानना काफ़ी है कि चावल के पानी से बालों को धोने से बाल बहुत हेल्दी और स्वस्थ बनते हैं। देखिए, मैं यहाँ आपको दो तरीके से चावल का पानी बनाना बताऊँगी। अब सवाल ये उठता है कि बेहतर कौन सा होगा, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा बेहतर कौन सा है। वैसे तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन दोनों का मेन इंग्रेडिएंट ही चावल है, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं।
चावल के पानी को दो तरीके से बनाना मैं आपको बताऊंगी और दोनों के ही बारे में मैं डिटेल से बात करूंगी कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है और कौन सा थोड़ा कम बेहतर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मांड के पानी की। अब ये मांड का पानी क्या होता है? देखिए, चावल हम बनाते हैं और बनाने के बाद, बनाते समय जो पानी हमें मिलता है हम उसको यूं ही फेंक देते हैं। उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसमें बहुत सारी विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मांड का पानी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ एक बार के रिंस के लिए आपको मांड का पानी बता रही हूँ कि एक बार के लिए आपको कितना चाहिए होगा। देखिए, हम 1:3 का रेशियो रखेंगे। एक कटोरी चावल होंगे तो 3 कटोरी हमें उसमें पानी रखना होगा। तो हमें यहाँ 1 कटोरी चावल नहीं, बल्कि हमें यहाँ 1 मुट्ठी चावल चाहिए और उसमें 3 कटोरी हम उसमें पानी डालेंगे और उसको तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल पक ना जाए। जैसे ही चावल पकने लगेगा वो पानी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा सा दूधिया रंग सा होने लगेगा। जैसे ही चावल पक जाता है उसको जल्दी से जल्दी हमें स्ट्रेन करना होगा, उसको अलग कर देना होगा छलनी से और उस पानी को हमें अलग निकाल लेना है। यही हमारा मांड का पानी बन करके तैयार हो चुका है। दूसरे तरीके के चावल को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 मुट्ठी चावल को 3 कटोरी पानी में ढक के रख देना होगा। इसको हमें 24 घंटे के लिए ढक करके रखना होगा। मान लीजिए 1 मुट्ठी चावल को हमने आज सुबह भिगोने के लिए रख दिया है तो हम इसको कल सुबह ही निकालेंगे। हमारे राइस का हो गया फर्मेंटेशन। जी हाँ, और कोई भी चीज़ फर्मेंट जब हो जाती है तो उसकी क्वालिटी, बात कर लेते हैं कि कौन से चावल ज़्यादा बेहतर है। जो मांड का पानी हमने तैयार किया है वो ज़्यादा बेहतर है या जो फर्मेंटेशन वाला है वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, चावल के सिंपल पानी का जो पीएच स्तर होता है वो हमारे बालों के पीएच स्तर से थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं अगर फर्मेंटेशन वाले राइस की बात करें तो उनका पीएच स्तर थोड़ा सा कम होता है, जो हमारे बालों की जड़ों में जाकर हमारे बालों के छित्रों को बंद कर देता है ताकि हमारे बाल सुरक्षित रहे और मजबूत रहे। ये पानी को फर्मेंट करने की वजह से क्या होता है कि इसमें मौजूद विटामिन्स और पोषक तत्वों का स्तर बढ़ जाता है, बालों को बहुत अच्छे से पोषण देते हैं। राइस वाटर में हमें वो सब कुछ न्यूट्रिशंस, वो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं जो हमारे बालों को चाहिए। इसके अलावा चावल के पानी को फर्मेंट करते समय इसमें पिटेरा नामक पदार्थ बनता है। हमारे बालों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व, अमीनो एसिड, विटामिन्स, खनिज, अमीनो एसिड, कार्बनिक एसिड, भरपूर मात्रा में विटामिन, खनिज, अमीनो एसिड और कार्बनिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। जी हाँ, पिटेरा नामक जो पदार्थ है ना वो हमारी स्कैल्प की मरी हुई कोशिकाओं को फिर से जगाता है। जी हाँ, बिल्कुल, फर्मेंटेड राइस इसीलिए बहुत बेहतर होता है सिंपल राइस के अकॉर्डिंग। इसी वजह से ये हमारे बालों और हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फर्मेंटेड चावल का पानी एसिडिक होता है जो हमारे स्कैल्प के पीएच को बैलेंस में रखता है। जी हाँ, हमारे स्कैल्प का नेचर भी कुछ एसिडिक ही होता है। देखिए, फर्मेंटेड राइस वाटर जो है वो चावल के पानी की खूबियों को बढ़ा देता है। आप जिस भी राइस वाटर के साथ कंफर्टेबल हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप फर्मेंटेड राइस वाटर यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप मांड का पानी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, दोनों में ही बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर तुलना की जाए तो फर्मेंटेड राइस वाटर का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी होता है। अगर हमने राइस को फर्मेंट कर लिया है इस वजह से यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स आ चुके हैं। बात कर लेते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है और कितने समय तक हमें अपने बालों में इसको रखना है। पहले हमें इसको अपनी स्कैल्प से लेकर हमें अपने पूरे बालों की लेंथ तक इसको अप्लाई करना है और 1 आवर तक इसको हमें अपने बालों में रखना है। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई रियली होप कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। लोगों को इसको शेयर करिए ताकि हमारी फैमिली जो है वो थोड़ी बड़ी बन सके। फर्मेंटेड राइस वाटर हो या मांड का पानी हो, हमें इन दोनों को ही फ़ायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन हमें सिर्फ एक बार में एक ही अप्लाई करना है और इसको 1 आवर तक रखना है।